गुड मॉर्निंग बच्चों, आज फिर से हम वीडियो के माध्यम से पढ़ाई करेंगे। आशा करते हैं कि आप घर पर रहेंगे और सुरक्षित। आज हम इंग्लिश में क्लास थ्री में लेसन टू मुरली मैंगो ट्री, मुरली का आम का पेड़, मुरली का आम पेड़। उस कहानी में यह है कि मुरली बचपन में एक आम खाता है और वो आम का जो गुठली यानी कि बीज होता है वो अपने घर के पीछे एक खेत में फेंक देता है। फिर वो बीज धीरे धीरे अंकुरित होकर बड़ा होता है और वो एक पेड़ बन जाता है। जैसे जैसे मुरली बड़ा होता जाता है, पेड़ भी बड़ा होता जाता है और कुछ सालों बाद वो पेड़ आम देने लगता है। तो मुरली वो उस पेड़ से आम तोड़कर खाता है, फिर मुरली और बड़ा होता है, उसके भी बच्चे होते हैं, तो उसके ही बच्चे आम उस पेड़ से आम तोड़कर खाता है। तो इसी में दो क्वेश्चन है इस चैप्टर में। पहला क्वेश्चन है, नेम सम ट्रीज विच यू फाइंड नियर योर स्कूल। बढ़िया क्वेश्चन है सर, कि कुछ ऐसे पेड़ों के नाम बताइए जो आपके स्कूल या स्कूल के आसपास आपको दिखाई देते हैं। कोई भी पेड़ बताइए। सबसे पहले मैंगो की बात किए हैं, सबसे पहले मैंगो ट्री, स्कूल में आपके मैंगो ट्री है, मैंगो। और सोचिए, स्कूल में आपके अमरूद के पेड़ है, अमरूद का क्या मिलता है? गुआवा। और सोचिए, पपाया। इसी तरह और भी कुछ पेड़ों में। दूसरा क्वेश्चन बताइए, इन विच सीजन डज द मैंगो फ्रूट ग्रो। कहने का इसका मतलब है कि किस सीजन में हर फल सब्जियों का अलग अलग सीजन होता है उगने का। तो आम जो है वो किस सीजन में उगते हैं आप बताइए। अभी कौन सा मौसम चल रहा है? गर्मी का। गर्मी में अभी हम लोग आम खा रहे हैं, तो गर्मी के मौसम में ही आम उगते हैं। गर्मी के मौसम क्या कहते हैं? समर सीजन। समर सीजन में